तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका पैदाइशी महीना आपके बारे में क्या बताता है, क्योंकि पैदाइशी महीने से ही जाने जाते हैं। वो अफराद जो जनवरी में पैदा हुए हैं, वो अपना काम खुद करने के आदी होते हैं। अब मैं उन इंसानों के बारे में बताऊंगी जो फरवरी में पैदा हुए। जो फरवरी में पैदा होने वाले होते हैं, वो बहुत तख्लीकी होते हैं, लेकिन जो मार्च में पैदा होने वाले अफराद होते हैं, वो बहुत शर्मीले और हर बात दिल में छुपाने वाले भी होते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल 100% सही है। अगर आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अप्रैल में पैदा हुए हैं, ठीक है। और मई में पैदा होने वाले इंसानों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अफराद ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, मतलब वो जो है दुनिया में नहीं रहते, बल्कि ख्वाबी दुनिया में रहते हैं। जून में पैदा होने वाले अफराद बहुत हसास होते हैं, ये अफराद का मिजाज बहुत नरम और धीमा भी होता है। जुलाई में पैदा होने वाले अफराद बहुत हंसी मजाक करने वाले होते हैं, और ये लोग ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन वो मजाक और मस्तियाँ बहुत करते हैं। अगस्त में पैदा होने वाले अफराद बहुत शरारती होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कायदाना सलाहियतें मौजूद होती हैं। अब मैं बताऊंगी सितंबर। सितंबर में पैदा होने वाले अफराद बहुत सलीकामंद और बहुत सफाई पसंद होते हैं। अक्टूबर में पैदा होने वाले अफराद को नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है, ये अफराद बहुत बातूनी भी होते हैं। और नवंबर में पैदा होने वाले अफराद अपनी तमाम तर बातें अपने तक ही महदूद रखते हैं, यानी उनकी जितनी भी बातें वो अपने तक ही महदूद रखते हैं। दिसंबर में पैदा होने वाले अफराद को हुक्म पर अमल करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो नहीं चाहते कि कोई शख्स इन पर हुक्म चलाए। तो ये था पैदाइशी महीने की डिटेल्स कि आपका पैदाइशी महीना क्या है। तो अब आप अपना अंदाज़ा खुद लगाएं और मुझे इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त देने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।